हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 22 मार्च 2019 है, फ्राइडे का दिन है। होली तो बीत गया कल, हैप्पी होली आप लोग को तो पता ही, अच्छे से होली मनाए होंगे आप लोग। आज कॉपर पे अपडेट लेके आया था। कॉपर अभी जो 442 रुपये 90 पैसे का करंट ए लाइव मार्केट है, और ये 442 रुपये 90 पैसे पे दिखा रहा है। तो ये एक बार आपको हो सकता है कि इस पर, अगर ये मैं वीकली देख रहा था तो ये कंटिन्यूस देखिए एक फॉल का पैटर्न बनाया हुआ है और ये कंटिन्यू फॉल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक नीचे की ओर जाने के लिए है, कोशिश कर रहा है। और ये जो आपका 200 दिन का जो इसका मूविंग एवरेज है, 231 दिन का, इस मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश करेगा, 414 के आसपास है वीकली बेसिस पर। आपको एक बार इसको अगर मंथली बेसिस पर भी अगर पैटर्न दिखाऊँ तो आप देखेंगे ये मंथली बेसिस पे भी, अगर इसको मैं मंथली बेसिस पे भी दिखाऊं तो मंथली बेसिस पे भी कहीं ना कहीं ये यहाँ से नीचे की ओर ही दिखाई दे रहा है इसका। ये थोड़ा सा नीचे की ओर दिखा रहा है और इसको 428 के पास आकर के जो इसका है, अब ये देखेंगे इसके 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है, 428 के आसपास एक सपोर्ट मिलता है। तो अगर ये 428 के सपोर्ट पे लेता ठीक है, नहीं तो एक बार ये 414-400 के आसपास आते हुए आपको दिख सकता है। अगर मैं इसके डेली मूविंग एवरेज की बात करूँ तो ऑलरेडी डेली में अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी ये अपने क्रॉस कर चुका है और नीचे 20 दिन का है इसका जो है उसको नीचे की ओर है ये, और अभी इसने 50 दिन के भी जो 1444 है उसके नीचे काम कर रहा है। स्टॉप लॉस अगर किसी को लगाना है तो ऊपर में 448 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और ये जो अभी डेली बेसिस पे दिखा रहा है, फर्स्ट टारगेट इसका 437-438 का दिख रहा है, 437 रुपये 72 पैसे। तो कहीं ना कहीं ये नीचे की ओर कॉपर में थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है और ये नीचे की ओर जा सकता है। एक थोड़ा यहाँ पे एक वाइट आपको ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, लेकिन आप इस पर भ्रम में मत रहिएगा। ये जो पैटर्न है इसे आपको कहीं ना कहीं नीचे की ओर ही जाता हुआ आपको दिखेगा। और आप देखिए कि रेड के सिग्नल यहाँ पे जो सिग्नल बन रहे हैं, रेड के ही बन रहे हैं कंटिन्यू। और यहाँ पे भी डेली बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो अब इसका हिस्टोग्राम आप देखेंगे तो ये नीचे की ओर आ रहा है रेड सिग्नल के साथ। कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ जो दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि कॉपर में थोड़ा वीक सिग्नल है। और ये कहीं ना कहीं जो आप डेली बेसिस पे देखेंगे 432 और उसके बाद अगर इस लेवल पे सपोर्ट लेता है तो ठीक है, यहाँ पे जो डेली बेसिस पे इसका है सपोर्ट 432, और यहाँ नहीं लेता तो फिर आपको 416 की ओर जाते हुए दिखेगा आपको। तो मेरे अंदाज से ये इसको एक बार 432 और 416, पहले तो सपोर्ट इसको यहाँ पे 432 के आसपास मिलना चाहिए, ओरिजेंटल पे लाइन पे आपको एक बार शो करो तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए इसको। तो 432 पे सपोर्ट आता है इसको, और यहाँ अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर यहाँ से फॉल होते हुए आपको हो सकता है कि ये फिर नीचे की ओर, यहाँ पे एक और लाइन अगर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे 416 के आसपास आकर के इसको सपोर्ट लेना चाहिए। ऊपर में आप देखेंगे तो ऊपर में आपको यहाँ पे जैसे बताया 448 का जो था इस लेवल पे, 447.50 ये लेवल पे, तो 447.50 रुपये के आसपास, 448-449 का आप चाहें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसको रख सकते हैं 449 का। अगर मैं ऑप्शन चेन में भी देखूँ जाकर के तो ऑप्शन चेन में भी देखेंगे चार, यहाँ पे पुट की ओर जो है प्राइस चेंज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो अगर इसके 443 का एट द मनी देखूँ जाकर के 443-440 का, तो आप देखेंगे यहाँ पे 181 का टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट अभी यहाँ पे शॉर्ट की ओर यहाँ पे बन रहा है। पुट में तो ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको शॉर्ट 440-445 पे शॉर्ट का पोजीशन बन रहा है। और क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट करें तो सबसे ज़्यादा 440 सपोर्ट जो है 440 के आसपास से दिख रहा है, इसके बाद आपको 430 के पास, 435 और 430 के पास दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 430 के लेवल तक जाते हुए आपको टच करते हुए दिखाई देगा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। ऊपर 450 में इसको बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है क्योंकि 177 का टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है। तो ऊपर में 450 की हो और नीचे आपको 430, जो कि यहाँ से भी आपको जो सपोर्ट बताया 431 और फिर 416, ये एक दो लेवल
वहाँ आपको देखेंगे तो इसके सपोर्ट लेवल से भी, या ऑप्शन चेन एम से देखें तो ऑप्शन चेन से भी यही लेवल मिल रहा है 430 ऊपर 450। तो कॉपर में आपको ये रेंज में अभी आपको हो सकता है कि कॉपर नीचे की ओर वीकनेस थोड़ा सा दिखा रहा है बेरिश मोड में। ये सिर्फ मेरा एजुकेशन पर्पज से आपको ओपिनियन था, मार्केट में मेरा कोई भी बाइंग ओपिनियन नहीं है। अगर कोई ओपिनियन बनानी हो तो आप खुद पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके फिर बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।